नींबू का अचार कैसे बने बनाए। सबसे पहले इसको धो लें, अच्छे तरह से धोना है। ये देखो, ये हमारा गांव का नींबू है, बड़ा बड़ा तो मेरे खेत का है। ये नींबू का पेड़ मैंने लगाया था, ये पूरा, ये देखो फर्स्ट क्लास नींबू है। ये देखो, ये धोए हैं हमने अच्छे तरह से। और बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है, इसमें बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है। ये देखो, ये धोने के बाद इसको इसको क्या करना है, इसको नमक, थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल करना है, बॉईल करना है। और इसके बाद बॉईल करने के बाद आगे की रेसिपी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ये वीडियो स्किप नहीं करना। बहुत बढ़िया अचार बनता है, लेकिन मेरे खेत का ही, आप अपने मार्केट से लेके आ जाओ। और नींबू का फर्स्ट क्लास अचार, ये जिसका जो इसका जो स्किन है ना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी लगता है स्किन। उसको कैसा बनाना है वो सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, आप स्किप नहीं करना वीडियो को, और लाइक करना, शेयर करना। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा, और इसमें पानी डालेंगे। और इसको हम बॉईल करेंगे। ओके, ये इसलिए बॉईल करना है ताकि इसका जो ज़्यादा कड़वापन होता है वो थोड़ा निकल जाए। और उसके बाद मैं आपके अगली रेसिपी बताऊंगा। ये जब बनेगा, ये जब बॉईल हो जाएगा, थोड़ा मुलायम हो जाएगा, ओके, फिर उसको काटना है। काटने के बाद जो अगला रेसिपी है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको नींबू का अचार फर्स्ट क्लास बना के दिखाऊंगा, और अपने घर में आप लोग बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी होता है। इसका जो छिलका है ना, बहुत बढ़िया लगता है। ये थोड़ा अभी ब्राउन कलर हो रहा है, ब्राउन, ये देखो, अभी पहले हरा था, ब्राउन हो गया, और थोड़ा हमने ब्राउन करना है इसको, और थोड़ा हमने पकाना है। थोड़ा ब्राउनिश हो जाने के बाद फिर इसको निकाल देंगे और काटेंगे। ये देखो कैसा है, ये देखो, हम दिखाएंगे आपको। ये ब्राउनिश हो रहा है, ये हरा से ब्राउनिश हो रहा है, थोड़ा और होने दो, थोड़ा और पकाना है इसको पानी में। फिर अगली रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। नींबू का अचार बहुत तगड़ा है, नींबू का अचार अपने शरीर के लिए अच्छा है, ओके, शरीर के लिए अच्छा होता है, ये खाओ, पेट साफ हो जाता है। और इसका छिलका खाना है, फेंकना नहीं, छिलका, छिलके के साथ हम बनाएंगे अचार। ये देखो, बॉयल हो रहा है, होने दो उसको बॉयल, और बॉयल होने दो, ये इसका कड़वापन निकल जाएगा पूरा। ये देखो, इसको और भी और हरा है, देखो ये इसका निकलने दो, ये बड़ा वाला, ये मैंने पेड़ लगाया था मेरे खेत में, ओके, बहुत बढ़िया बनाएंगे हम, आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बनाते हैं। इसको काटेंगे और थोड़ा पकाएंगे इसको। इसको इसका कड़वापन निकलना चाहिए, ओके, तो बॉईल हो रहा है। इसका नेक्स्ट रेसिपी बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, फ़ायदे के लिए है, घर में बना सकते हैं। अभी नींबू तो कितना, 10 रुपए के 10 मिलते हैं, छोटे छोटे नींबू
घर में लाओ और नींबू का अचार खाओ, सबसे बढ़िया नींबू का अचार, अपने जो आतड़ियाँ हैं इंटेस्टाइन है उसके लिए अच्छा है, और आपके शरीर में विटामिन सी मिलता है और तंदुरुस्त रहोगे। खुद बनाओ, सिंपल है, ये देखो बॉयल होने दो, अभी है वो, ये देखो ऐसा होना चाहिए सारा, ये भी अभी हो गया, लाइक हो गया, इसका कड़वा पर निकलना चाहिए, ये देखो, और भी थोड़ा 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 बॉयल करना है, वीडियो भी स्किप नहीं करना, और भी है सारा चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके भाइयों बहनों, अभी ये जो जो नींबू है मैंने अभी इसको पका दिया, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, देखो ये थोड़ा ब्राउनिश होना चाहिए, जो हरा था ऐसा होना चाहिए, अभी इसको मैं काटूँगा, हाँ ये देखो काट रहा हूँ, ये जो है अभी मैंने इसका चार टुकड़े करे, इसके मैंने चार टुकड़े करे हैं, कभी कभी आप क्या करना है, अभी ये ज़्यादा भी मुलायम हो गया तो इसका दो टुकड़े भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो इसको ऐसा चार टुकड़े भी कर सकते हैं, इसको ऐसा काटना है पूरा, ये देखो ये बड़ा वाला नींबू है, काटो इसके चार टुकड़े करो, या इसको इसके चार टुकड़े करो इसको, ये देखो ये पूरे चार टुकड़े किए मैंने, ये देखो इसे मैंने किया ऐसा, मेरे तरफ देखो, हाँ ये देखो ऐसा किया, इसको मैंने हमने ये देखो ये पूरा है ना, ये कभी कभी चार टुकड़े करना, इसका चार टुकड़े करो, समझ में आया, आवाज कम कम, ए मुझे आवाज़ जरा कमी कर, ये देखो ऐसा किया हमने, ये पूरा करना है, ये चार टुकड़े इसके भी बड़े, जो बड़े बड़े हैं इसके चार टुकड़े करो इसके, इतना सारा है, ये देखो फटाफट, ये पूरा हो गया, ये देखो मेरे तरफ दिखाओ, ये पूरा ऐसा पूरा काटना है आप लोगों ने, इसका ज़्यादा मुलायम हो गया तो इसका आधा काटना है, अगर नहीं कटता है इसको चार टुकड़े करना, नहीं होता तो दो टुकड़े करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके आगे की रेसिपी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये पूरा काटना है आप लोगों ने ऐसा, इसे दिखाओ इसको, इसको दिखाओ, हाँ हो गया, ये देखो बहुत बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ये पूरा इसका नहीं हो गया, और ये जो रस है पूरा, ये देखो ये पूरा इसके अंदर डालना है, फेंकना नहीं थोड़ा भी, समझ में, इसके आगे की रेसिपी मैं भी दिखाऊंगा, ये पूरा काटना है, काट के दिखाऊंगा आप लोगों को, ये पूरा काटूंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और इसका आगे की रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगा, हाँ कट कर, अच्छा भाई और बहनों, अभी मैं खेल रहा हूँ, ये
अभी मैं अभी तेल डाला है, इसके बाद अभी तेल ये थोड़ा गर्म हो गया है, अभी ऑलरेडी गर्म हो गया है। अभी मैं डालूंगा, ये मोहरी है, सरसों का बीज है, और उसके पास नमक थोड़ा डाल रहे हैं, ज़्यादा डालेंगे आज, ओके, नमक थोड़ा ज़्यादा होना, और मिर्ची, मिर्ची ले क्या? देखो, थोड़ा कम करेंगे, ये जो मिर्ची है, ये ऐसे डालना है, ऐसा डालो, पूरा डालो, ये डालो, पूरा मिर्ची डालना है, मिर्ची डालना है, और थोड़ा ए, मुझे जरा आवाज तिकड़े था, ये हो गया, ये देखो इसमें डाल देते हैं, ये देखो ये हो गया, और ये थोड़ा और इसको एक भी पकड़ो, और थोड़ा हल्दी डालेंगे, ये देखो पूरा, ये हो गया, और इधर हमको ये नहीं मिल रहा, ये देखो इसको तेल में फ्राई करना है, इसको तेल में फ्राई करना है अच्छी तरह से, ये देखो इसको तेल में फ्राई करना है, समझ में आया, और तीखा मिर्ची है ना, ये वाला मिर्ची, ये जरूर डालना है, समझ में आया, बहुत है उसमें, ये देखो इसको थोड़ा एक तेल के अंदर फ्राई होना चाहिए, अच्छे तरह से फ्राई होना चाहिए, ये देखो बहुत आवाज आ रहा है इधर, सब आवाज बंद करो, उधर उधर उस रूम में जाओ सर, चलो सब लोग, वीडियो निकल रहा हूँ, ये सब मेरे को है ना, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे, खान अच्छे तरह से बनाना, कुछ कोई भी चीज़ बनाना अच्छे तरह से बनाओ, आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, ये देखो अच्छा हो गया, थोड़ा पकना चाहिए तेल के अंदर, ये देखो इसको 10-20 मिनट तक तेल में क्या फ्राई होना चाहिए, ओके, तेल के अंदर फ्राई होना चाहिए, उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको ठंडा करना है, ठंडा करके एक बोतल लेना है, बोतल में ठंडा करके भर लेना है, और धूप में रखना है, धूप में 4 या 5 दिन रख देना, उसके बाद वो खाने के लायक हो गया, बहुत तगड़ा आप लोगों को है ना आचार मिलेगा, ये देखो बहुत तगड़ा मिलेगा, ये देखो पूरा मिर्ची पकी हुई है, ये सब हो गया, अभी और पकना है इसको, तो थोड़ा कम कर लेता हूँ,
उसको पकना है, पकने दो इसको थोड़ा, समझे लग रहा है थोड़ा क्या, थोड़ा और तेल डाल देते थोड़ा सा, पकने दो उसको। कितना अभी भी लाइक खाने का लाइक हो गया, अब पकना चाहिए थोड़ा और पकना, तो पाँच मिनट पकेंगे, 5-10 मिनट पकेंगे, धीरे में धीमी फ्लेम में पकेंगे, उसके बाद उसको ये ठंडा करेंगे, फिर उसको हम एक बोतल में डालेंगे, प्लास्टिक बोतल हमारे पास प्लास्टिक बोतल है उसमें डालो और धूप में रखो 4 दिन, उसके बाद खाने का लायक हो गया। हाँ थोड़ा और नमक डालेंगे, थोड़ा नमक लगता है इसमें, ओके, और थोड़ा डाल देंगे, उतना नमक ज़्यादा होगा उतना अच्छा लगेगा, ओके। हम खट्टा खाते हैं भाई और बना, और मीठा चाहिए तो उसमें शुगर डाल सकते हैं, जैगरी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, इसको कैसा भी बनाओ। तीखा चाहिए तो तीखा बनाओ, खट्टा चाहिए तो खट्टा बनाओ, मीठा चाहिए तो मीठा बनाओ, इसमें शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, कुछ भी कैसे भी करो, लेकिन बहुत बढ़िया ये, बहुत बढ़िया है। अगला स्टेप आपको बताऊंगा कैसा क्या करना है, धीरे इसको अभी पकने और 5 मिनट पकने दो उसको, ओके बाय बाय, थैंक यू। और इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, आप वीडियो को स्किप नहीं करना। इसको हमने ऑफ किया है, अभी देखते हैं थोड़ा, ये फर्स्ट क्लास बना हुआ है, अभी थोड़ा उसको ठंडा होने दो, ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम एक ऐसे बॉटल में डालेंगे, ये भी मैंने बना हुआ है, ये भी नींबू का अचार बना हुआ है, घर का बना हुआ है, ओके, और इसके अंदर भी बनाया था मैंने, ये देखो नींबू का अचार मैंने पहले बनाया हुआ है, ये बनाया पूरा भर के बनाया था, और वो जो पेड़ मैंने बनाया, जो पेड़ मैंने गांव में लगाया वो मैंने लगाया, 2-3 प्रकार के पेड़ है नींबू के, 2-4 प्रकार के पेड़ है, ये छोटा वाला, बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला भी है, इतना बड़ा वाला जंगल से लाया था मैंने, इतना छोटा वाला नर्सरी से लाया था, और छोटा वाला वो भी नर्सरी लाया था, 2-4 प्रकार के मेरे पास पेड़ है, तो मैं जब भी गांव में जाता हूँ तो उसको लेके आता हूँ, बॉयल करता हूँ, बना देता हूँ, और मेरे माँ को, मेरे मदर और डैडी को मैं दे देता हूँ, मैं थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा रख देता हूँ। इसको और पकने तो इसका, इसी के अंदर ये मैंने बंद किया है, इसको रख देंगे, इसको ठंडा होने दो, होने के बाद एक बोतल में भरेंगे और हम धूप में रखेंगे 4 दिन, 4 दिन के बाद वो खाने के लायक हो गया। अगर आपको ये खट्टा ज़्यादा होता है तो आप और थोड़ा चीनी का पानी कर लो, थोड़ा बॉईल करो चीनी, और इसमें चीनी डाल दो, गुड़ है तो गुड़ डालो, अगर वो मीठा चाहिए तो, ओके तो बाद में बताऊँगा कैसे कैसे करना है। ये थोड़ा मैंने 4 चम्मच थोड़ा ये डाला है, ये देखो ये चीनी डाला है, थोड़ा खट्टा ज़्यादा हो गया, ये तो थोड़ा पानी डाल दिया, इसको थोड़ा हम बॉईल करेंगे, ये थोड़ा बॉईल करेंगे, रुको, चीनी का पानी है, 4 चम्मच मैंने चीनी डाला है, ओके, इसको थोड़ा चीनी बोल दे दिया, थोड़ा सा क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा हो गया, तो हम इसको डालेंगे, चीनी का पानी है, इसको चीनी का पानी है मीठा, ओके,
थोड़ा खट्टा भी होगा, थोड़ा नमक नमकीन होगा, वो थोड़ा मैच हो जाएगा। ओके अभी भी गर्म है थोड़ा, ये देखो पूरा ये आ रहा है, इसको ठंडा होने देंगे और ये थोड़ा पकेगा भी। इसको पकने दो थोड़ा थोड़ा और ठंडा होने दो, एक्टिवेट ठंडा हो जाएगा तो हम इसको बॉटल में डालेंगे और थोड़ा धूप में रखेंगे। ओके ऐसा बनाओ आप लोग। हाँ अभी ये हमने बनाया हुआ है, या बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ डालो, ठंडा हो गया, ये ठंडा हो गया, बहुत बढ़िया अचार हो गया। बहुत अच्छा टेस्टी अचार है नींबू का अचार। ये ठंडा बिल्कुल हो गया है और हम इसको अभी धूप में रखेंगे 4 दिन। ये खाने के लायक है, अभी भी खाने के लायक है। ये देखो कितना बढ़िया हो गया नींबू का अचार। इसको हम अभी धूप में रखेंगे 4-5 दिन और उसके बाद खाने के लायक हो गया। ऐसा आप लोग अचार बनाओ और मज़े में रहो। घर में बनाओ अचार है, नींबू सस्ता है, 10 रुपये को 10 है, तब लाओ और खाओ। इसका छिलका अच्छा होता है, अपने इंटेस्टाइन के लिए, आंतड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाओ पियो मस्त रहो। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। मेरे को लाइक करना, मेरा वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।